फाइनल स्टैंडिंग में चैंपियन तो पता चल चुका है, बट दूसरे तीसरे स्थान पे कौन है? बट प्रोडक्शन थोड़ा ओपी हो रहे हैं, हमें दूसरे पेज से यहाँ पे चीजें दिखाएंगे। अगर आप देखें तो रेवेन्यू ईस्पोर्ट्स, जो आप यहाँ पे एक सवाल हम कर रहे थे, अगर आप नजर डाले तो टीम गॉडलाइक जरूर से वो मुश्किल में, बट अच्छा एक स्टैंडिंग। जी हाँ, मुश्किलें रावण जी, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कार्निवल गेमिंग, एफएस ईस्पोर्ट्स और रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स रहेंगी तीन टीम्स जो क्वालिफाई करने में कामयाब हो नहीं पाएंगी, और उनको खेलना पड़ेगा अब यहाँ से लास्ट चांस क्वालिफायर्स। देखना यह है कि किस प्रकार का वो जो प्रदर्शन है वो होने वाला है। बने तो कितने पॉइंट से चैंपियन बने, और रनर अप रहे तो कितने पॉइंट से वो रनर अप रहे, तो वो रहने वाले एनटीटी गेमिंग, जो कि 107 अंक निकाले। सपोज करे एंकी के अगर लास्ट का मैच आईक्यू सोल के लिए 5-6 पॉइंट भी लेके आता तो ये चैंपियन बन सकते थे। ये लास्ट मैच में 0 अंक भारी पड़ गया आईक्यू सोल को। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा मजेदार और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो चुका है। वो जो 13 बैकलॉग, इनफैक्ट 8 बैकलॉग मेरी बीटेक में आई थी, वो वाला टाइम थोड़ा लाड़ी जो पड़ा है सब पे भारी इस टूर्नामेंट में, और वो रहने वाले हैं नन अदर देन निंजा जॉर्ड। 28 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं, और जॉर्ड क्या गॉड टियर का परफॉर्मेंस उन्होंने यहां पर दिखाया है।